जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों अभी आप सामने देख सकते हैं हमारे है गाड़ी बनारस से चलकर देहरादून को जाने वाली जनता एक्सप्रेस। आपको मैं बोर्ड दिखा दूं, हालांकि इसका नाम अब जनता हट चुका है, अब सिर्फ ये बनारस देहरादून एक्सप्रेस के नाम से चलती है। दोस्तों ये एक मेल ट्रेन है, इसको आप एक सुपर फास्ट ट्रेन मत समझिएगा। और दोस्तों हाल ही में इसको LHP कोचेस दिए गए हैं, मतलब वो नए रंग के जो रेड कोचेस आप देखते हैं वो इस ट्रेन को दिए गए हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ उन सारे कोचेस को। दोस्तों अभी तो यहाँ 5 AC के कोच हैं, बाकी यहाँ पे 7 स्लीपर के भी कोचेस हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक फर्स्ट AC का कोच देखेंगे जो सबसे आगे ही लगा है जनरेटर कार के, तो आप ये देख सकते हैं 2021 का बना दोस्तों ये कोच है, और बनारस देहरादून आपको लिखा दिख जाएगा यहाँ पे। दोस्तों ये एक मेल गाड़ी है, टोटल मैं कहूँ अगर बनारस से चलकर आपको देहरादून जाना हो तो ये ट्रेन आपको 22 से 23 घंटे लगाती है, और सुबह आपके 6 बजे ये देहरादून पहुँचेगी और सुबह 9 बजे बनारस से निकल के दोस्तों लगभग 22 घंटे की जर्नी कवर अप करती है। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये बनारस रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे अभी एक ट्रेन की शंटिंग भी चल रही है दोस्तों, ये देखिए शंटिंग चल रही है, 3 डब्बा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक जनरेटर कार दिख रहा है, सॉरी एक SLR कोच है, पीछे एक पार्सल वैन है और एक पीछे स्लीपर का भी कोच है, तो WAP4 यहाँ पर लगा हुआ है। आइए इसे एक बार देखते हैं, देखिए अंकल कैसे इनको गाइड कर रहे हैं आगे वाले लोको पायलट को। देखिए दोस्तों क्या परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चल रहा है यहाँ पे, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पे शंटिंग प्रॉपर की जा रही है कोचेस की। पुराना लोकोमोटिव लगा हुआ है यहाँ पे, और अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने खड़ी है ये देहरादून एक्सप्रेस। दोस्तों मैं बता दूँ पहले ये जनता के नाम से चला करती थी, जनता का मतलब था दोस्तों आम जनता की सेवा। पर दोस्तों जब बाद में इस ट्रेन को LHB कोचेस मिल गए, ट्रेनों के अंदर से जनरल कोचेस बहुत कम कर दिए गए। पहले मैं बता दूं दोस्तों जनता मतलब आम जनता की सेवा करना, तो ये एक्सप्रेस और पैसेंजर की मिक्स सर्विस हुआ करती थी। इसका मतलब दोस्तों ये एक एक्सप्रेस ट्रेन तो थी, मतलब लॉन्ग दूरी की ट्रेनें चलती थी, पर इसके अंदर आपको जनरल के कोचेस बहुत देखने को मिलेंगे। इस पर टोटल मुझे मेरे ख्याल से ICF के टाइम 7 से 8 जनरल के कोचेस लगते थे, एकदम आगे और एकदम पीछे साइड में। और अगर आप कहेंगे स्लीपर के कोचेस भी यहाँ पे 8 थे, बट AC का कोच सिर्फ यहाँ पे 2 ही थे। अगर आज आप कंडीशन देख सकते हैं इस ट्रेन में, तो जब इसको नए कोचेस मिल गए, ट्रेनों के अंदर से पूरे स्लीपर के कोचेस कम कर दिए गए हैं, और यहाँ पे आप AC के कोचेस देख सकते हैं। दोस्तों इस ट्रेन में कभी कोई फर्स्ट AC का कोच ही नहीं था, लेकिन आज पहली बार फर्स्ट AC का कोच मुझे इस ट्रेन के अंदर देखने को मिल रहा है। बाद में आगे 2 सेकेंड AC के भी कोच मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों वो ट्रेन तो अभी शंटिंग करने में लगा हुआ है अपना। देख सकते हैं दोस्तों टोटल यहाँ पे 2 सेकेंड AC के कोच हैं, भाई 2 थर्ड AC के कोच हैं। पहले इसके अंदर सिर्फ 2 AC के कोच हुआ करते थे, एक सेकेंड AC था और एक थर्ड AC था, पर अभी यहाँ पे दोस्तों 2 सेकेंड AC के कोच डाल दिए हैं, 2 थर्ड AC के कोच डाल दिए हैं, बाकी यहाँ पे स्लीपर के कोचेस हैं। तो इंडियन रेलवे जहाँ इस जनता का नाम थोड़ा सा मिटा दिया दोस्तों, वहीं अब नए ट्रेनों में उन स्लीपर और जनरल कोचेस को कम कर दिया। दोस्तों अब एकदम आखिरी साइड में आपको पूरे जनरल के कोचेस देखने को मिल जाएंगे इस ट्रेन के अंदर, वहीं सिर्फ 2 जनरल है। मतलब सोचिए दोस्तों, पहले कहाँ 8 जनरल के कोचेज है, वहीं सिर्फ 2 जनरल। तो दोस्तों अब ये जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, या आम जनता की गाड़ी है कि नहीं, इसका दोस्तों बड़ा ही डाउट और क्वेश्चन है इंडियन रेलवे के सामने। पर कोई नहीं दोस्तों, देखिए सामने कोई ट्रेन आती हुई भी दिख रही है। फिर दोस्तों मैं इस ट्रेन को कैप्चर कर देता हूँ आप सबके लिए, कोई बहुत बढ़िया ट्रेन आ रही है, स्किपिंग कर रही है। दोस्तों मैं बता दूं क्योंकि अभी यहाँ पे बाइफरकेशन चल रहा है, मतलब बहुत सारी ट्रेनों का रूट बदल गया है, तो ट्रेनें अब स्किप कर रही है यहाँ पे। इसका रूट नहीं है एक्चुअली, ये अपने डाइवर्टेड रूट पे है, क्योंकि अभी दोस्तों कैंट रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट चल रहा है, तो सारी ट्रेनों को इस रूट से लेके जाया जा रहा है।
सामने आप इधर जनता एक्सप्रेस को खड़ा देख सकते हैं, और दोस्तों यहाँ हमारी सारनाथ एक्सप्रेस ट्रिप कर रही है। दोस्तों इस पर भी आप बहुत सारे जनरल के कोचेस को कम देखेंगे, और एसी का कोच देखिए दोस्तों, अभी स्टार्टिंग से एसी का कोच लगा था, टोटल दोस्तों इसमें 11 एसी के कोचेस हैं, स्लीपर के कोच सिर्फ 6 हैं दोस्तों। और मुझे लगता है रश बहुत गंदी होगी इस ट्रेन के अंदर। सिर्फ 3 जनरल के कोच लगे हैं दोस्तों, और ऑक्यूपेंसी लगभग ठीक ही ठाक है जनरल कोच में। बैठने लायक तो जगह दिख रही है इस ट्रेन के अंदर, पर दोस्तों इतने एसी कोचेस बढ़ा देने से अब आम जनता का किराया दोस्तों महंगा होगा ही, और जनता कैसे अफोर्ड करेगी इतना ट्रैवलिंग। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना रखते हैं, आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी जनता एक्सप्रेस के बारे में, जो शायद अब जनता का नाम हटा ही दिया गया है दोस्तों रेलवे से, क्योंकि अभी कोई जनता एक्सप्रेस का रोल तो प्ले कर नहीं रही है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।